इस वर्ष भी राखी पिछले वर्ष की तुलना में बहनों के लिए फीकी पड़ने वाली है, क्योंकि रक्षाबंधन के साथ सुरक्षा बंधन भी बहनें और भाई मनाएंगे, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार मध्य प्रदेश के साथ छतरपुर जिले और नौगांव में भी चल रहा है। मार्केट गुलजार न होकर खाली पड़े हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, खरीदारी भी नहीं हो पा रही। बहनें इस राखी पर अपने घर में खुद राखी डिजाइन कर मिठाई भी घर पर ही बनाएंगी। लॉकडाउन के चलते हम शासन प्रशासन को ध्यान में रखते हुए राखी का त्यौहार मना रहे हैं और मेरी तरफ से आप सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी राखी का त्यौहार मनाएंगे, बहुत ही उत्साह के साथ मनाएंगे। जिस तरह से पहले हम मार्केट जाके राखियां खरीदते थे और इस बार हम राखी के लिए घर पे राखियां डिज़ाइन करेंगे अपने भाइयों के लिए। हर बार की बात ही, इस बार भी रक्षाबंधन को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ बनाएंगे। राखियां भी हम लोग घर पे बनाएंगे और मिठाइयां भी। भाइयों के इस त्यौहार, भाई बहन के इस त्यौहार में कमी नहीं आने देंगे। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने कोरोना लॉकडाउन लगाया है, जो एक सराहनीय कार्य है और इस कार्य का हम सहयोग करते हुए घर में रहते हुए अपने रक्षाबंधन मनाएंगे, जिसके लिए उत्साह बिल्कुल कम नहीं है। घर में रहते हुए हम अपनी राखियां बनाएंगे, मिठाइयां बना रहे हैं, बहुत सी चीज़ें घर में ऐसी उपलब्ध होती हैं जिसके चलते हम राखियां अपने घर में ही बना सकते हैं। भाइयों के लिए प्यार हमारे लिए कम नहीं हुआ है। एक चीज़ और बहुत अच्छी हुई है कि जो चाइना से हमारी राखियाँ आती थी, बाहर का जो माल आता था, वो हमारा घर में ही रहते हुए हम इसका यूज़ करेंगे, जिससे हम चाइना का एक तरह से बहिष्कार ही कर रहे हैं। हम लोग जैसे कि रक्षाबंधन पहले मनाते थे, बाज़ार से राखियां खरीदी, मिठाइयां खरीदी, शॉपिंग वगैरह करते थे, लेकिन इस बार ये कोरोना महामारी के उसमें चलते हुए हम लोग त्यौहार अपने घर पे ही मना रहे हैं। राखियां भी घर पे बना रहे हैं, मिठाइयां भी घर पे बना रहे हैं और शासन प्रशासन का पूरा ध्यान रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग में उत्साह हम लोगों का कम नहीं हुआ है। भाइयों के लिए उत्साह हम लोगों का वही है और सारी खुशियां मना के हम लोग अपने घर पे ही त्यौहार मना रहे हैं।